नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से लेकर आई हूं राजस्थान के सियासत को लेकर नए अपडेट्स, नए टॉपिक, और उसी टॉपिक पर आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी और तमाम सवालों का वो जवाब देंगे। तो यहाँ पर बात करते चले पहले राजस्थान के सियासत के बारे में। तो आज ही कपिल सिब्बल ने यहाँ पर इस्तीफे की बात सामने लाई है। उनका कहना है कि 16 तारीख को ही वो इस्तीफा दे चुके थे और सपा पार्टी में अब शामिल होने की खबरें उनकी नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो फिलहाल डूबती नजर आ रही है। हर जगह से एक एक या फिर दो दो कैंडिडेट यहां पर इस्तीफे दे रहे हैं और अभी तो कुछ भी नहीं, इसके बाद भी और इस्तीफों की मांग जो है की जा रही है और इस्तीफे जो है कतार में लगे हुए हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया, सचिन पायलट के इस्तीफे पर जो है लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अशोक गहलोत के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पर नहीं उतर कर आ रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे राहुल गांधी पर, जो इस वक्त ब्रिटेन दौरे पर हैं और लगातार विदेश में जाकर ऐसी ऐसी टिप्पणियां व्यक्त कर रहे हैं जिसको लेकर वो फिलहाल फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम अक्सर लाइव सेशन करते हैं जिसके जरिए आज मैंने एक कॉमेंट को एक मुद्दा बनाया है, जहां पर हमारे एक दर्शक ने कॉमेंट किया था कि राहुल गांधी को मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है राजस्थान का तो उसको लेकर क्या अपडेट सामने आएंगे, क्या राहुल गांधी किस तरह कांग्रेस की कमान संभालेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालते हैं राजस्थान से तो क्या कांग्रेस पार्टी का उद्धार होगा, ऐसे तमाम सवाल जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं पर एक यूजर ये भी कमेंट करते हैं कि अगर राहुल गांधी के हाथ पर सत्ता आ जाती है तो कांग्रेस पार्टी डूब जाएगी। तो वहीं दूसरे यूजर ये भी लिखते हैं कि अगर यहाँ पर सचिन पायलट को नहीं कुछ बनाया गया, नहीं मुख्यमंत्री पद दिया गया तो कांग्रेस पार्टी डूबती नजर आएगी और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी सचिन पायलट को कोई बड़ा पद या फिर बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी नहीं दे रही क्योंकि वो जानती हैं कि आने वाले वक्त में उनके बेटे राहुल गांधी के लिए सचिन पायलट एक चुनौती के रूप में खड़े होने वाले हैं। तो उसको लेकर तमाम चीजें हैं यहाँ पर। तो साक्षी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी को लेकर जो हमारे दर्शक हैं और जो जनता है लगातार प्रतिक्रिया दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार आगामी चुनाव में जो कि गहलोत के नेतृत्व में होने वाले हैं, क्या इस वक्त यहाँ पर गहलोत के इस्तीफे की मांग बढ़ती चली जाएगी, क्या गहलोत इस्तीफा देंगे और क्या मुख्यमंत्री पद जो है पायलट को मिलेगा या फिर राहुल गांधी को? बिल्कुल, देखिए ये सवाल बहुत सही और जनता के दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चिंतन शिविर करके भी इन सवालों को और ज्यादा पैदा कर दिया है जनता के दिमाग में कि आखिर होने क्या वाला है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से अब चुनाव होने वाले 10 जून को आप देखिए किस तरह से चुनाव होंगे, लेकिन उस चुनावों में मुख्यमंत्री पद किसको मिलने वाला है कि ये बहुत बड़ी बात जो है सामने आती है, क्वेश्चन मार्क सामने आ जाता है। जहां पर राहुल गांधी का नाम आ रहा है ये और बड़े शॉक की बात है कि किस तरह से पहले जो है अशोक गहलोत या सचिन पायलट की आपसे संबंध या आपसी विचार दो विकल्प ही नहीं सुलझ रहे थे तो एक और जो है विकल्प आ गया राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा सवाल उठ गया। और आप ये देखिए कि सवाल दिया तो वही दूसरे यूजर ने उसका जवाब भी दे दिया कि हाँ अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया राजस्थान का तो राजस्थान में कांग्रेस की जो नैया है वो डूब जाएगी। तो आप ये देखिए ये बात तो पहले से हम ये चीजें समझ रहे हैं, अध्यक्ष पद पे थे तो भी कांग्रेस की नैया कौन सी आगे चल गई वो भी डूबी ही है, और अध्यक्ष पद पे नहीं भी है तो आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए क्या हाल है। और अगर अब वो मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लेते हैं राजस्थान का तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस राजस्थान से भी चली जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर साक्षी कह रही है कि अगर राहुल गांधी यहाँ पर गलती से भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं राजस्थान के तो उसके बाद कांग्रेस की जो नैया है फिलहाल तो डूब रही है, तब तो यहाँ पर और भी नैया जो है पार लगाने की बजाय और डूबती चली जाएगी क्योंकि राहुल गांधी को लेकर तमाम चीजें बोली जाती है। तो इसी को लेकर आप जानती है ब्रिटेन दौरे पर है साक्षी इस वक्त राहुल गांधी और तमाम तरह की चीजें पेश कर रहे हैं, लेकिन अब एक बीजेपी नेता ने उनका एक ऐसा वीडियो वायरल किया है जिसको लेकर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है राम जब तक चाबी भरेगा तब तक ही गुड्डा बोलेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा, जब तक चाबी भरी जाएगी तब तक ही बोल रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल वो इसलिए तंज कस रहे हैं क्योंकि वायरल वीडियो जो कि ये दर्शा रही है कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि भारत में हिंसा और अहिंसा को लेकर आपका क्या कहना है तो राहुल गांधी अटकते नजर आते हैं। राहुल गांधी जो कि ग्रेजुएटेड बताते हैं अपने आप को, इतना पढ़ा लिखा बताते हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी की जबान वहां पर फिसलती नजर आती है साक्षी। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं
तो बीच में अटक जाते हैं, उसके बाद कई लोग तालियां बजाते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी के क्या आप सच में ये कहना चाहेंगी कि कहीं ना कहीं उनकी माँ सोनिया गांधी उन पर चाबी भरती है और उतना ही राहुल गांधी बोलते हैं ताकि उनके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो? क्योंकि आपने देखा है पहले भी राहुल गांधी ऐसे ऐसे बयानबाजी करते नजर आए हैं जिसको लेकर जनता इतनी हंसती नजर आई है उन पर, और इस वजह से ही उनको एक नाम से पुकारती नजर आई है। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी जो कि अभी भी यहाँ पर एक हंसी का पात्र बनते नजर आते हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद के लिए लायक है? देखिए यही सबसे बड़ी वजह है। आप ये देखिए कि जनता को ये चीजें कैसे दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को चाबी भरे जा रहे हैं। देखिए वो वजह यही है कि जब भी आप राहुल गांधी के स्पीचेस सुनेंगी या कोई बयान वो दे रहे होते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो जब वो बयान दे रहे होते हैं और उसके बाद जब कार्य की बारी आती है तो ऐसा कुछ होता नहीं है जो आपने बयान में बोला था। कई बार आप बयान में कुछ एक्स्ट्रा बोल जाते हैं जो बाद में हुआ ही नहीं कांग्रेस की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से जब आप बोलते हैं, तो वही चीजें वही साफ तौर पर दिखाई देता है कि आप जो वहां स्पीच बोले, आपने जो वहां बयान दिए वो सिर्फ किसी के लिखे हुए शब्दों के दे दिए लेकिन आपने वो किया नहीं। इसी वजह से, और एक बड़ी वजह है जहां हर किसी को दिखाई देता है कि ये जो बोल रहे हैं वो होने का है नहीं, और इसी वजह से उन पर हंसते हैं, उन पर लोगों को हंसी आ जाती है क्योंकि राहुल गांधी का हर बार यही हुआ है, वो अपने बयान जिस तरह के देते हैं वो पूरे नहीं करते। जी बिल्कुल, बयान देते हैं और पूरे नहीं करते हैं। तो राजस्थान की कमान संभालनी जरा सी मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ सचिन पायलट ये दावा करते हैं साक्षी कि 4 में से 3 सीट कांग्रेस ही यहाँ पर जब्त करने वाली है और फिर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ही अपना दबदबा बनाने वाली है। तो कहीं ना कहीं क्या ये लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए, तो आपने बता दिया कि राहुल गांधी के चांसेस कम है, राहुल गांधी को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर क्या सचिन पायलट के चांसेस बढ़ते हैं? साक्षी, क्या सोनिया गांधी यहाँ पर अपने बेटे के लिए सिर्फ एक चुनौती समझकर सचिन पायलट को अपनी पार्टी का उद्धार करने से रोक देंगी? जी देखिए, ये बात अगर हम जनता की तरफ से जाने तो उनके अकॉर्डिंग हाँ, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, वो डिजर्व करते हैं, वो मांग भी करते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज सोनिया गांधी की तरफ से देखें तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री उनकी नजर में कभी नहीं बनेंगे, और ये साफ तौर पर अब तक देख भी लिया है और आगे भी हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारी किसको देती है। हालांकि अभी सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी, लेकिन मुख्यमंत्री पद वाली बात तो कोई नहीं मानेगा कि कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को कभी मुख्यमंत्री पद मिलेगा जिस तरह का व्यवहार उनके साथ होता है। और ऊपर से आपने देखा कि सचिन पायलट जो है वो कहीं ना कहीं ढलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा से देखा गया कि सचिन पायलट हमेशा उस पार्टी में ढलने की कोशिश करते हैं पर कहीं ना कहीं उन्हें धक्का दे दिया जाता है। इस बार भी उन्होंने हिम्मत भी जताई, उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा भी कि 4 में से 3 जीत हासिल करके रहेगी कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए दावा भी किया है। लेकिन सचिन पायलट के लिए खुद की बात करें तो वो पद उनके लिए मिलना तो बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि भारत जोड़ो को लेकर एक नया प्रोजेक्ट में उन्हें नाम शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी अब यहाँ पर जो है सचिन पायलट को एक तरह से झुंझुना पकड़ा रही है कि जिससे यहाँ पर सचिन पायलट यहीं पर रहे, क्योंकि वो उनको एक ऐसा लालच दे रही है, बड़ी जिम्मेदारियां देती नजर आ रही है सचिन पायलट को, जिससे सचिन पायलट पार्टी में ही रहे और सोनिया गांधी हमेशा उन्हें एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करे और यहां पर कभी भी उन्हें मुख्यमंत्री पद ना दे और हमेशा जो है अपने बेटे के लिए एक जगह को सेव करती नजर आ रही है। लेकिन सोनिया गांधी ये नहीं चाहती, अगर वो ऐसा ही करती रही तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी एक दिन विलुप्त हो जाएगी, जिस तरीके से राजस्थान में आज उनका गढ़ है शायद इसके बाद राजस्थान में भी वो अपना गढ़ दोबारा नहीं बना पाएंगी। तो ऐसी तमाम अपडेट्स हमने आपको अपने इस डिबेट शो के जरिए दी, तो आपको ये डिबेट शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ के साथ।